हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है, यानी रेलवे आरपीएफ एसआई का ऑफिशियल तौर पे कटअप की जानकारी दे दी गई है। चाहे आप लोग रेलवे आरपीएफ एसआई में किसी भी ग्रुप में अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो इसका ऑफिशियल कटअप की जानकारी दे दी गई है। यानी आप लोग देख सकते हैं, रेलवे आरपीएफ एसआई चाहे ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप ई हो या ग्रुप एफ हो, सभी ग्रुप का कटअप की जानकारी दे दी गई है रेलवे आरपीएफ एसआई की। यानी मेल और फीमेल का कटअप की जानकारी दी गई है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ए में एग्ज़ाम दिया है तो इसका कटअप ओबीसी का फीमेल का 77.77 गया है, एससी का 76.36 गया है, एसटी का 60.44 गया है और जनरल का 79.38 कटअप गया है, 79.38। वहीं ओबीसी की बात करें तो मेल का 95.53 कटअप गया है, एससी की बात करें तो 88.23 कटअप गया है, एसटी की बात करें तो 85.59 कटअप गया है और जनरल की बात करें तो 94.59 कटअप गया है और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 62.21 कटअप गया है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में अगर आप लोगों ने रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो ओबीसी हैं, फीमेल हैं, तो आप लोग का कटअप 81.36 गया है, एससी का 74.22, एसटी का 64.22 कटअप गया है, जनरल का 87.12 कटअप गया है फीमेल का। वहीं मेल की बात करें तो मेल में ओबीसी का कटअप 97.38 कटअप गया है, एससी का 90.6 कटअप गया है और एसटी का 85.33 कटअप गया है और जनरल का 100 कटअप गया है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 61.84 कटअप गया है। उसके बाद अगर ग्रुप सी की बात करें, और दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है, और इससे पहले भी आप लोगों को 100% श्योर करवाए थे कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और ग्रुप सी की बात करें तो ओबीसी का फीमेल हैं तो 75.82 कटअप गया है, एससी का 66.32 कटअप गया है, एसटी का 62.87 कटअप गया है, जनरल का 79.43 कटअप गया है। उसके बाद मेल की बात करें तो ओबीसी 92.63 कटअप गया है, एससी 84.15 कटअप गया है, एसटी 81.45 कटअप गया है और जनरल का 94.2 कटअप गया है, एक्स सर्विसमैन का 65. कुछ कटअप गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप डी में एग्ज़ाम दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन कटअप की जानकारी दी गई है, तो मेल का और फीमेल का, और फीमेल हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसका कटअप 84.45, ओबीसी का, एससी का 72.92 और एसटी का 72.49 और जनरल का 87.42 कटअप गया है। वहीं मेल का 97.75 कटअप गया है, एससी का 88.49 कटअप गया है, एसटी का 87.67 कटअप गया है और जनरल का 99.95 यानी 100 कटअप गया है और एक्स सर्विसमैन का 73.27 कटअप गया है। वहीं ग्रुप ई की बात करें तो ग्रुप ई में ओबीसी फीमेल का कटअप सबसे कम गई है और ओबीसी का कटअप 36.92 गया है, एससी का 38.67 गया है, एसटी का 40.81 और जनरल का मात्र 42 कटअप गया है। वहीं मेल की बात करें तो मेल का कटअप 77.32 गया है, एससी का 69.44 कटअप गया है, एसटी का 62.62 कटअप गया है और जनरल का 74.22 कटअप गया है। वहीं एक्स सर्विसमैन का 42.14 कटअप गया है। वहीं ग्रुप एफ की बात करें तो ग्रुप एफ में ओनली मेल कैंडिडेट हैं तो इनका कटअप 87.33 कटअप गया है, एससी का 72.33 कटअप गया है, एसटी का 65.70 कटअप गया है और जनरल का 76.99 कटअप गया है और वहीं एक्स सर्विसमैन का 42 कटअप गया है। यानी दोस्तों आप लोगों को इससे पहले जो कटअप की जानकारी दी थी और नॉर्मलाइजेशन की कटअप की जानकारी दी थी वह आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का कटअप की जानकारी लगभग समान ही रही है। यानी दोस्तों रेलवे आरपीएफ एसआई का ऑफिशियल तौर पर कटअप की जानकारी दे दी गई है और अब रेलवे आरपीएफ कॉन्स्टेबल का भी ऑफिशियल तौर पर कटअप की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी जानकारी मिल जाए। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।